नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आंखों देखा हर चीज सच नहीं होता, ऐसा ही एक बच्चे के साथ, एक छोटा सा बच्चा जिसको सर्पदंश हुआ 3 साल का, और सर्पदंश के बाद घर वाला जैसे ही देखे वहां पर मिला कॉमन उल्फ से। कॉमन उल्फ स्नेक पूरी तरह नॉन वेनमस बिना जहरीला सांप होता है, इसमें कोई जहर नहीं पाया था, ना इसका कोई विष दंत होता है। ये सांप देखा गया और घर वाले तुरंत देखे, भाई कोई डरने की बात नहीं है, इसको तो बिना जहरीला काटा। इसी में वो लोग बहुत देर बीत गया, देर होने के बाद उसके बाद पास में ही झाड़ फूक का पास लेकर गए और ओझा ने भी बोल दिया टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और उसको झाड़ फूक करने के बाद कुछ धीरे धीरे उसका तबीयत बिगड़ते गया, हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद इतना देर हो चुका था, उस बच्चे का मौत हो गया। मौत होने के बाद घर आए, घर आने के बाद जब जिस जगह में सर्पदंश हुआ वहाँ देखा गया, कुछ सामान रखा हुआ था, वहाँ से मिला इंडियन कॉमन करेट। एक्चुअली हुआ क्या, जब ये बिना जहरीला सांप सर्पदंश हुआ है तो फिर हुआ क्या दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। जब इस बच्चे को सर्पदंश हुआ उसको काटा कॉमन उल्फ स्नेक, घर वाला भी सोचे उस समय में उसको अच्छी तरह देख लेना चाहिए था या जाके ब्लड टेस्ट कराना चाहिए था। अगर ब्लड टेस्ट होता तो तुरंत पता चल जाता कि सर्पदंश हुआ कि नहीं हुआ। वो लोग तो इस बहम में रहा है कि भाई ये तो बिना जहरीला सांप है। एक्चुअली हुआ क्या, कॉमन करेट रात को ये आता है, निशाचर होता है मिडनाइट में या कभी भी सांप को खाने के लिए। इसका मुख आहार सांप होता है और ये कॉमन उल्फ का पीछा किया, उसी समय जब खाने के लिए दौड़ा रहा था या पकड़ने जा रहा था उस बच्चे का पैर पड़ गया। बच्चे का पैर पड़ा, तुरंत वो बाइट किया और बाइट करने के बाद सांप अक्सर हर सांप थोड़ा सा डर जाता है, सुस्त हो जाता है, वो तुरंत छुप गया। वहाँ कुछ चावल का बोरी या कुछ रखा हुआ था और नज़र आ गया जो सांप जो है जिसको खाने के लिए दौड़ा था कॉमन करे। और घर वाला ये समझे कि ये तो बिना जहरीला सांप, डरने की कोई बात नहीं, छोटा बच्चा था, लेकिन उनको जाना चाहिए था हॉस्पिटल जहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए था कि भाई अगर ऐसा कोई सिम्टम होता, जो कि कॉमन करे मोस्ट वेनमस स्नेक है और ये साइलेंट किलर ऐसा है कि आपको बिना पता लगाए आपका जान चला जाएगा। मतलब इसका जहर होता है ऐसा कि इस जहर से आपको ना सूजन होगा ना कोई दर्द होगा, धीरे धीरे 3-4 घंटे के बाद इसका एबनॉर्मल सिम्टम होता है, जैसे कि पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, गले में चुभन, गले में दर्द, उसके साथ साथ आँख झपकना, उसके बाद धीरे धीरे जो है पेशेंट पूरी तरह कोमा में चला जाना। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, कभी भी किसी को कोई सांप काटा, अगर आप ऐसा देखते हैं कि हमको तो धोन काटा, चेकरेट किलबैक, नॉन वेनोमास, तो दोस्तों प्लीज़ आसपास में देख लीजिए या कहीं पर जाके डॉक्टर के पास ऑब्जर्वेशन में रहिए, क्योंकि आपको आंखें देखा हर चीज़ सच नहीं होता। आप देखे हैं आपको जब काटा उस समय में हो सकता वहाँ चेकरेट किलबैक नज़र आ गया, लेकिन कोबरा या दूसरे सांप बैंडेज करे या करे वो छुप गया दूसरा कहीं, वो तो आप देखे नहीं। इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, पहले देखें उसके बाद डिसाइड करें। उसके लिए आपके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, ब्लॉक हॉस्पिटल, बहुत सारे मित्र हमें कॉल करते हैं, बोलते हैं सर आप बोलते हैं जिला हॉस्पिटल, तो जिला हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत दूर हो जाता है, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो क्या वहाँ तक जाते जाते पेशेंट बचेगा। दोस्तों देखिए, कोबरा में या दूसरे अगर बॉडी इम्यूनिटी कम है या बच्चा छोटा बच्चा है तो या बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में डर गया है तो देखिए 100 किलोमीटर भी नहीं जाएगा, उससे पहले भी डेथ हो सकता है। इसलिए आपके आसपास में जो ब्लॉक हॉस्पिटल है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है एंटी वेनम मिल जाएगा, हर जगह में एंटी वेनम रहता है। डॉक्टर नहीं होता है स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के लिए, वो अलग बात है, लेकिन आप वहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, और आपको अगर नहीं मिलता है आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो भी है उनके पास जाइए, वहाँ जाके लिखित कंप्लेन कीजिए, सर हमारा जिला में एंटी वेनम नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।